स्टोरी विथ अरुण सुनने वाले सभी श्रोता सब में मैं अरुण गिरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय श्रोता, घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और ये समय है प्राइम टाइम नोबेल का, यानी कि रात्रि कालीन प्रस्तुति। स्टोरी विथ अरुण की विशेष पेशकश रात्रि कालीन प्रस्तुति में आप लोग सुन रहे हैं सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री उपन्यास सीरीज हत्या क्यू। आज इसी सीरीज की 12वीं एपिसोड के साथ में उपस्थित हो चुका हूँ। अगर इससे पहले आप लोग इस नोबेल सीरीज के पिछले एपिसोड अभी तक नहीं सुने हैं तो मेरे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इस उपन्यास के प्रीवियस एपिसोड को सुन सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा देर नहीं करते और स्टोरी विथ अरुण पर आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री नोबेल सीरीज हत्या क्यू। सुनिए इसी सीरीज की 12वीं एपिसोड आरजे अरुण के साथ। इंस्पेक्टर कपिल, विजय और सौम्या आपस में बातें कर रही थी। कॉल मी विजय, कपिल ब्रो, लीना। लीना के नाम पर सौम्या को अचानक याद आया, मैं उसे फोन करना तो भूल ही गई। सौम्या ने टेबल की ड्रॉअर से अपना मोबाइल निकाला और सौम्या का नंबर डायल किया। दूसरी ओर से ऑटोमेटेड आवाज ने नेटवर्क नहीं होने के कारण फोन लगाने में असमर्थता जता दी गई। उसने फिर कॉल लगाने की कोशिश की लेकिन नतीजा वही रहा, वो लीना से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रही थी, नेटवर्क नहीं मिल रहा। फिर वो मोबाइल वापस ड्रॉअर में रखती हुई बोली, कमाल है डॉक्टर भटनागर बोले, मैंने तो सुना था तुम्हारी बहन का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। सौम्या ने दांत पीस कर डॉक्टर भटनागर की ओर देखा, उन्होंने तुरंत मासूम सा चेहरा बना लिया। वैसे भी अब यहां मेरा कोई काम नहीं है, सौम्या कपिल से बोली, अब मैं घर जा रही हूं। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूं, कपिल उठते हुए बोला। उफ, डॉक्टर भटनागर बोले, इस तूफानी रात में आप दोनों एक साथ जाएंगे, वो भी अकेले? एक साथ जाएंगे, कपिल बोला, जो कि अब तक डॉक्टर भटनागर के मजाक के अंदाज को समझने लगा था। तो अकेले कैसे हुए, आप दोनों तो सिंगल यूनिट ही गिने जाएंगे ना, डॉक्टर भटनागर बोले, 2-in-1 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपल, द अमेजिंग डू, इनफ एंड बाय एंड गुड नाइट डॉक्टर भटनागर, सौम्या कपिल के साथ रूम से बाहर निकलते हुए बोली। हाँ हाँ, तुम लोगों को भी इनफ बाय, और दोनों साथ जा रहे हो तो नाइट तो तुम लोगों की वैसे भी गुड होने ही वाली है, डॉक्टर भटनागर भी उनके पीछे पीछे ही रूम से बाहर निकलते हुए बोले। उसके बाद डॉक्टर भटनागर अपने रूम की ओर चले गए और कपिल और सौम्या हॉस्पिटल के मेन गेट की ओर बढ़ गए। काफ़ी दिलचस्प आदमी है डॉक्टर भटनागर, कपिल चलते चलते सौम्या से बोले। डॉक्टर भटनागर नहीं विजय, सौम्या मुंह बिचकाकर डॉक्टर भटनागर जैसी भारी आवाज़ निकालने की कोशिश करते हुए बोली, अभी वो बोलने न तुमसे, कॉल मी विजय, कपिल ब्रो। सौम्या की उस मिमिक्री पर कपिल को बर्बा सी हंसी आ गई, सौम्या भी हंस पड़ी। दोनों बारिश से बचने की कोशिश करते हुए कार तक पहुंचे और उसमें बैठ गए। कपिल ने कार स्टार्ट कर हॉस्पिटल कंपाउंड से बाहर निकाली, बारिश तेज होने के कारण उसे वाइपर ऑन करने पड़े, इसके बाद भी कार धीमी रफ्तार में चलानी पड़ रही थी। तुम सचमुच बेहोश हो गई थी, एकाएक कपिल बोला। क्या, सौम्या ने कहा, मैं तो सोचता था तुम बहुत बहादुर हो, वहां लाश देकर तुम इतना डर कैसे गई थी कि बेहोश हो गई, हॉस्पिटल में तो तुमने कितनी ही लाशें देखी होंगी,
कितने ही पोस्टमार्टम किए हैं, फिर अचानक कैसे? सौम्या कुछ देर तक खामोश रही, फिर बोली, पता नहीं मुझे वहाँ क्या हो गया था, शायद वहाँ के माहौल में ही कुछ ऐसा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझ पर कुछ हावी हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई और भी था। था तो डॉक्टर भटनागर थे, नहीं उस कमरे में, उस घर में। कपिल ने एक क्षण के लिए सामने से नज़र हटाकर बगल में सौम्या के चेहरे पर डाली, फिर दोबारा सामने रास्ते पर देखने लगा। तुम कुछ अंधविश्वासी नहीं हो रही हो? ये अंधविश्वास की बात नहीं है कपिल, सौम्या बोली, मुझे जो अनुभव हुआ था वो बता रही हूँ। तुम्हें ने पूछा था, वैसे वो आदमी जॉन स्मिथ, सचमुच उसकी मौत का मुझे अफसोस है। बेचारा बहुत शरीफ और सीधा साधा आदमी लग रहा था, अपनी बेटी की हालत को लेकर काफी परेशान था। सौम्या ने खिड़की से बाहर नजर अंधेरे में सुनसान दिख रहे रास्ते पर डाली। क्लियरवेंट, वो होठों में बुदबुदाई। क्या? कपिल बोला, क्लियरवेंट, तुमने बताया था ना वो लड़की क्लियरवेंट है। मैंने बताया था कि उस लड़की का बाप उसे क्लियरवेंट समझता है। क्लियरवेंट कुछ नहीं होता, उस लड़की को कोई और ही मानसिक या शारीरिक परेशानी हो सकती है, पर क्लियरवेंट कौन यकीन करेगा इन बातों पर, वो भी आज के इस वैज्ञानिक युग में। मैंने तुम्हें बताया नहीं कि उसने मुझसे क्या कहा? किसने? क्लेयर ने। कपिल ने फिर उसके चेहरे पर नजर मारी, फिर सामने देखते हुए बोला, क्या कहा उसने? वो बिस्तर पर बैठी रो रही थी, जब मैंने उसे हिलाने की कोशिश की तो अचानक उसने मेरी ओर देखा और जोर से चीख पड़ी, उसने मेरे डैडी को मार दिया। फिर वो बेहोश हो गई। इसका मतलब वो जानती है कि उसके पिता की हत्या किसने की है। पता नहीं, उसने जो कहा वो मैंने तुम्हें बता दिया। इससे तो यही लगता है कि उसने हत्यारे को देखा था। क्या लगता है कब तक होश आ जाएगा उसे? कुछ कह नहीं सकते। वैसे मैंने डॉक्टर शिवानी को उसकी अच्छी देखभाल करने और जैसे ही उसे होश आए मुझे बताने के लिए कह दिया है। उसके बयान से काफी मदद मिलने की उम्मीद है, लेकिन वो तब होगा जब वो होश में आकर भी बोलती रहे। क्या मतलब? तुमने बताया था कि जब तुम उससे पूछताछ करने गए थे तो एक शब्द भी नहीं बोल रही थी, बल्कि उसने तुम्हारी ओर या अपने पिता की ओर देखा तक नहीं। कहीं होश में आकर वो फिर से उसी हालत में न चली जाए। शुभ शुभ बोलो। इससे मुझे एक बात याद आई, तुमने कहा था कि कत्ल की दोनों घटनाओं में एक ही समानता है कि मैं दोनों जगह मौजूद थी। अरे छोड़ो यार उस बात को, वो तो एक संयोग ही है, और तुम कोई अपनी मर्जी से थोड़ी ही गई थी कि पहले पूरी बात तो सुन लो, सौम्या उसकी बात काट कर बोली। मैं अकेली ऐसी नहीं थी, वो लड़की क्लेयर भी तो दोनों जगह पर थी। कपिल खामोश रहा, और उसके बारे में हम ज्यादा कुछ जानते भी नहीं है, और वो क्लेयरवेंट भी है, कपिल बात को हवा में उड़ाने वाले लहजे में बोला। शट अप कपिल, मेरे दोनों जगह होने की बात तो तुमने उठाई थी ना, अब उस लड़की की दोनों जगह होने के बारे में तुम्हें कुछ नहीं कहा ना? क्या कहूँ, वो लड़की कातिल है, उसने रेस्टोरेंट में उस मिस्टर एक्स का धारदार हथियार से उतनी बेरहमी से पेट फाड़ कर कत्ल कर दिया, और फिर अपने स्कूल के इंग्लिश टेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए उसके खून से दीवार पर गुड रिडेंस लिख दिया, फिर अपने बाप के साथ भागकर घर चली गई। फिर 24 घंटे बीतने लगे तो उसकी खून की प्यास फिर जाग उठी। आसपास कोई नहीं मिला तो उसने लिया और अपने ही बाप का टेटुआ दबा दिया। डैट्स इनफ कॉफी, सौम्या गुस्से से बोली, तुम बात को मजाक में उड़ा रहे हो, तुम बात ही ऐसी कर रही हो। तुम्हारे दोनों जगह पर होने की बात मैंने इसलिए कही थी कि वैसा सचमुच था।
किसी का भी ध्यान इस ओर जा सकता था, लेकिन यह मात्र एक संयोग था। तुम्हारा दोनों ही घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, ये तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। रही बात उस लड़की की, तो मुझे नहीं लगता कि उसका भी इससे कोई हाथ होगा। वो भी तुम्हारी तरह संयोग से ही दोनों जगह पर मौजूद थी। तुम खुद सोचो कि तुम क्या कह रहे हो, सौम्या एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली। उस लड़की का इस केस से कोई गहरा संबंध है। मैं रेस्टोरेंट वाले मर्डर के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उसके पिता का कत्ल, आखिर कातिल का उससे कुछ संबंध तो रहा होगा। कपिल कुछ नहीं बोला, उसकी बात में दम था। दो मिनट तक दोनों के बीच शांति छाई रही, फिर अचानक कपिल बोला, यानी एक शख्स और है जो दोनों ही घटनाओं के समय उन जगहों पर मौजूद था। कौन? और कौन जिसने ये कत्ल किए, मर्डरर, हत्यारा? वही तो मैं पूछ रहा हूं, आखिर हत्यारा कौन हो सकता है? इस तरह से तो जॉन स्मिथ भी दोनों जगह पर मौजूद था, है नहीं, दुनिया में ही नहीं है। अब उसका भी कत्ल कर दिया गया है, अब उसने खुद तो अपना गला दबाकर अपनी हत्या की नहीं होगी, फिर उसकी बात करना तो बेकार ही है ना। सौम्या का घर आ गया था, घर की लाइटें बंद है, सौम्या बोली, लीना कहाँ है? कपिल कुछ नहीं बोला, वो पहले ही इस बात को नोट कर चुका था। उसने कार गेट के बगल में खाली जगह पर रोक दी। दोनों कार से उतरे और बारिश में कम से कम भीगने की कोशिश करते हुए दौड़कर घर के दरवाजे तक पहुंचे। इस दौरान कपिल को रास्ते में एक पत्थर से ठोकर भी लगी और वो गिरते गिरते बचा। उनके दौड़ के आने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते दोनों सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह से भीग चुके थे। सौम्या ने जल्दबाजी में घर का दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश कर गई। उसके पीछे पीछे कपिल भी आ गया। लीना, सौम्या ने जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सौम्या ने पहले बाहर वाले कमरे की लाइट ऑन की, फिर अंदर वाले कमरे की लाइट ऑन करने चली गई। इस दौरान वो लगातार 2-3 बार लीना का नाम लेकर पुकार चुकी थी। वो घर में होती तो, आखिरकार कपिल को बोलना पड़ा, इस तरह पूरे घर में अंधेरा करके थोड़ी ही बैठी होती, तो कहां है वो? सौम्या कपिल के सामने आकर खड़ी हो गई। वो ये बात इतनी जोर से बोली थी कि कपिल एक पल के लिए सन्नाटे में आ गया। मुझे क्या पता, कपिल हैरानी से बोला। तुम्हें नहीं तो किससे पता है? उसकी आवाज पहले की तरह तेज थी। सुबह तुमने ही तो उसे पुलिस स्टेशन बुलाया था ना पूछताछ करने के लिए, फिर कहाँ गई हो? उसने पूरे दिन मुझे एक बार भी फोन नहीं किया, घर क्यों नहीं आई? आज तो उसकी नाइट ड्यूटी भी नहीं थी। काम डाउन सौम्या, कपिल ने दोनों हाथों से उसे शांत रहने का इशारा किया। हम अभी पता कर लेंगे। क्या काम डाउन? हाँ, सौम्या की आवाज से लग रहा था कि वो किसी भी पल रो देगी। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, वो हमेशा मेरा फोन जरूर उठाती है, कहीं भी हो दिन में 1-2 बार फोन जरूर करती है। आज उसने कोई फोन भी नहीं किया, जबकि जानती थी कि कल रात रेस्टोरेंट वाली घटना के बाद से मैं कितनी परेशान हूँ, और अब इस तरह घर से गायब है, जबकि उसे 5 बजे ही आ जाना चाहिए था। 24 घंटे के अंदर शहर में 2 खून हो चुके हैं, कहीं उसके साथ? सौम्या बात पूरी नहीं कर पाई, उसने अपने ही मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों में भय और आशंका के मिले जुले भाव दिखाई दे रहे थे। जो सोच रही थी, सोचना न चाह कर भी सोच रही थी, वो बात उसकी जबान पर आ गई थी। कपिल भी अपनी जगह पर जड सा हो गया। बाहर बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बारिश और भी तेज हो गई थी, और तेज हवाएं तूफान के आगमन का संकेत दे रही थी। फिर अचानक सौम्या फूट फूट कर रो पड़ी और पास ही पड़े सोफे पर ढेर हो गई। सौम्या,
कपिल ने उसके पास बैठते हुए उसे बाहों में भर लिया। घबराओ मत, लीना को कुछ नहीं हुआ है, ये सब तुम्हारा वहम है। तुम उन घटनाओं को लेकर कुछ ज़्यादा ही डर गई हो। हमारी लीना का इन घटनाओं से कोई भी संबंध नहीं है। वो जहाँ भी है ठीक है, मैं अभी उसका पता करवाता हूँ। फिर तुम उसे अच्छी तरह डांट लगाना कि उसने तुम्हें दिन में फोन क्यों नहीं किया। कपिल उसके सीने से लगी हुई सुबकते हुए बोली, मैंने रात में बहुत भयानक सपना देखा था। कैसा सपना? लीना को लेकर। मैंने सपने में देखा था कि लीना किसी अंधेरी जगह पर थी, मैं भी वहाँ थी, लेकिन लीना मेरी ओर नहीं देख रही थी। मैंने उसे आवाज़ देने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में हूँ। लीना बहुत डरी हुई थी और दो हाथ उसके गले की ओर बढ़ रहे थे। मैं सब देख कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं चिल्लाना चाहती थी लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। फिर वो हाथ लीना का गला दबाने लगी। मैं जोर से चीखना चाहती थी लेकिन हिल भी नहीं पा रही थी। फिर उसी समय लीना ने मुझे जगा दिया। वो सिर्फ एक सपना था, कपिल उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला। तुम बेकार के वहम मत पालो। मैंने लीना के लिए ऐसा सपना कभी नहीं देखा। सौम्या की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। प्लीज प्लीज किसी भी तरह लीना का पता लगाओ, मुझे लीना से बात करनी है। हाँ मैं अभी पता करता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, लीना कुछ ही देर में हमारे साथ होगी। सौम्या को समझा बुझाकर शांत करने के बाद उसने सब इंस्पेक्टर अमन सिंधे को फोन लगाया। हेलो सर, उधर से अमन का स्वर सुनाई दिया। अमन, कपिल बोला, लीना घर नहीं लौटी है, मैं उसका पता करने स्टोर जा रहा हूँ। तुम भी उसका पता करने की कोशिश करो और भी पुलिस वालों को साथ ले लो, जरूरत पड़े तो पेट्रोलिंग ड्यूटी पर गई टीमों को भी बोल दो। मुझे जल्द से जल्द लीना के बारे में जानकारी चाहिए कि वो कहाँ है। क्या हुआ सर? कपिल की आवाज में तनाव को अनुभव करके अमन की आवाज में भी चिंता झलकने लगी। जितना कहा है उतना करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कहकर कपिल ने फोन काट दिया। कपिल ने लीना के स्टोर फोन लगाने की कोशिश की लेकिन फोन नहीं लगा। शायद मौसम की खराबी के कारण नेटवर्क नहीं मिल रहा था। फिर वो सौम्या से बोला, लीना के स्टोर का फोन का नहीं लग रहा है, मैं उसका पता करने वहाँ जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना और ध्यान से रहना, दरवाज़ा लॉक कर लेना, सावधानी से रहना। सौम्या ने हाँ में सिर हिलाया। वो अब रो नहीं रही थी लेकिन चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कहो तो मैं तुम्हारे लिए पुलिस स्टेशन से किसी को बुलवा लूँ? नहीं, सौम्या बोली, तुम जाओ, मुझे सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। तुम लीना को ढूंढो, मुझे लीना चाहिए, प्लीज जल्दी करो। ओके मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपने आप को संभालो, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। मैं ठीक हूँ, सौम्या आंसू पोंछते हुए संभाल कर बैठ गई। तुम जाओ और जल्दी से जल्दी लीना का पता करो, मैं सचमुच फालतू घबरा रही हूँ, इतने तेज बारिश हो रही है, वो कहीं फंस गई होगी, नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो मुझे कॉल नहीं कर पाई होगी, लेकिन फिर भी तुम उसका पता करो। ओके, कपिल ने राहत की सांस ली। वो अपनी बुद्धि को कोस रहा था कि जो बातें सौम्या कर रही थी वो उसे दिलासा देने के लिए उसके दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। वैसे उसे ये भी लगा कि ये सब सौम्या शायद इसलिए कह रही थी जिससे उसे लेकर परेशान ना हो। ऐसा ही हुआ है, मैं फिर भी जाकर अभी थोड़ी देर में लीना के साथ लौटता हूँ, तुम ध्यान से रहना। कपिल बाहर निकलकर कार की ओर बढ़ गया। अब उसे भीगने की ज़्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि
भीख तो वो पहले ही चुका था। सौम्या ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। कपिल के कार स्टार्ट करके जाते ही घर के पिछले दरवाजे में लगा लॉक घूमा। कोई सौम्या से मुलाकात करने आ रहा था। वीर सिंह ने बेसमेंट का दरवाजा खोला। अब काफी देर हो चुकी थी। उसके हिसाब से अब तक बेसमेंट तालाब बन चुका होना चाहिए था। वो थोड़ी देर पहले भी वहां आया था, लेकिन तब वो बस अपने शिकार को थोड़ा तड़पाना चाहता था, उसे उम्मीद देना चाहता था कि कोई आ रहा है, शायद उसे बचा ले। फिर वो दो सीढ़ियां उतरकर ही वापस लौट गया था। अब अलविदा कहने का वक्त आ गया था, या हो सकता है अब तक वो मर ही चुकी हो, बचने के चांसेस कम ही थे। बारिश जरूरत से ज्यादा तेज थी और वो काफी समय से अंदर बंद थी। मरी नहीं होगी तो मौत से बदतर हालत में होगी। वीर सिंह बेसमेंट में नीचे की ओर जाती सीढ़ियों से उतरा। ऊपर से आ रही रोशनी से बेसमेंट का कुछ हिस्सा दिख रहा था। नीचे की चार पांच सीढ़ियां पानी में डूब चुकी थी। बस इतना ही पानी भरा अब तक। वीर सिंह को निराशा हुई। बेसमेंट में बाहर से आ रही बारिश की जोरदार आवाज के साथ बेसमेंट में भरे पानी में रोशनदान पर लगे तथाकथित रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से पानी की मोटी धार गिरने की जोरदार आवाज भी सुनाई दे रही थी, जिससे बेसमेंट के अंधेरे माहौल में अच्छा खासा शोर हो रहा था। पूरे बेसमेंट का नजारा अच्छी तरह देखने के लिए वीर सिंह ने सीढ़ियों पर ही बगल में लगे स्विच को ऑन कर लाइट जला दी। बेसमेंट दुधिया रोशनी से नहा उठा। अंदर का नजारा सचमुच हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों को भी मात कर रहा था। बेसमेंट में करीब 3-4 फीट तक पानी भर आया था, और जहां उसने लीना को बांधा था वहां केवल लीना का चेहरा पानी के ऊपर तैरता हुआ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसका चेहरा काट कर वहां पानी के ऊपर बहा दिया हो। उसके मुंह पर बंधा कपड़ा अभी उसी तरह बरकरार था। बुरी तरह बंधे होने के बाद भी सांस लेने के लिए लीना किसी प्रकार अपने चेहरे को पानी से ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इसके लिए उसे कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन वो सिलसिला ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं था। रोशनदान की ओर से गिरते पानी की मोटी धार से उसकी वही जल समाधि बननी तय थी। लगातार संघर्ष करने से वो बुरी तरह थकी हुई भी लग रही थी। उसकी आंखें मुंदी जा रही थी। वीर सिंह को दरवाजे पर देखकर उसकी आंखें फैल गई। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन मुंह पर मोटा कपड़ा बंधा होने के कारण केवल घूं घूं की आवाज ही निकल सकी। वीर सिंह वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए अपने शिकार को देखने लगा। लीना की आंखों में दहशत और भी बढ़ गई। तुम्हें ऐसे मरते देखकर तकलीफ तो बहुत हो रही है, फिर बोला, लेकिन क्या करूं, सौम्या की बहन होने की कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। लीना ने फिर बोलने की कोशिश की, लेकिन कोशिश बेकार साबित हुई। जानता हूं, वो हमदर्दी भरे स्वर में बोला, जानता हूं तुम क्या कहना चाह रही हो, यही ना कि इतनी बुरी तरह मारने की क्या जरूरत है, प्यार से भी तो मारा जा सकता है। लेकिन जाने मन, तुम्हें एक बात पता नहीं है, जिस आदमी को जिंदगी में जो मिलता है वो वही बांटता है, जो मिला ही नहीं उसे बेचारा बांटेगा कहां से। तुम्हारे इस नाकाबिल दोस्त को भी जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला, केवल नफरत और नफरत, दरिंदगी। तो अब मैं वही बांट रहा हूं। काश तुम मुझसे कभी मिली नहीं होती, काश तुम मेरे रास्ते में ना आई होती, लेकिन अब किया ही क्या जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि तुमने अब तक इतनी तकलीफ झेल ली होगी कि अब तुम खुद ही मरने का इंतजार कर रही होगी। चिंता मत करो, तुम्हारा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है।
वो वहाँ रोशनदान पर देख रही हो ना, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है, तूफान भी आ रहा है, लेकिन अफसोस तुम उसे देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगी। जानती हो ना, तूफान आने पर लोगों को बेसमेंट जैसे सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जाती है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बेसमेंट में ले आया था। क्यों, जोक मारा है ना? लीना फटी फटी आंखों से सीढ़ियों पर बैठे उस साइकोपैथ को देखे जा रही थी, उस साइको किलर को देख रही थी जो उसके जिंदगी के आखिरी लम्हों को नरक से भी बदतर बनाने पर तुला हुआ था। खैर, तुम्हें हंसी नहीं आई, उसने गहरी सांस ली। चलता हूं, फिर मुलाकात होगी। ये भी नहीं कह सकता, तुम्हारी बहन को भी मारना है, कोशिश करूंगा उसे ज्यादा बेरहमी से मार सकूं, पता नहीं हो पाएगा या नहीं, आजकल कुछ भी आसानी से नहीं होता। अरे देखो, पानी तुम्हारी नाक में घुसने लगा, चलो अब मैं निकलता हूं। हैव अ नाइस डेथ। उसने लाइट बंद कर दी और सीढ़ियां चढ़कर बेसमेंट से बाहर निकलते हुए दरवाजा बंद कर दिया। पीछे बेसमेंट में घुप अंधेरा छा गया, मौत का अंधेरा। कपिल हॉस्पिटल पहुंचा, लीना का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा था। अब कपिल को भी चिंता होने लगी। लीना पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद काम पर गई ही नहीं थी। क्यों, वो दिन भर से कहाँ है? सौम्या के घर पर लीना को नहीं देखकर सौम्या के उस तरह से घबरा जाने और चीखने चिल्लाने पर पहले कपिल के दिमाग में ये भी ख्याल आया था कि सौम्या ओवर एक्टिंग कर रही थी, लेकिन अब लीना का कहीं कोई पता नहीं चलने पर उसे लगने लगा कि कहीं उसे लीना के किसी तरह की मुसीबत में होने, भगवान न करे ऐसा हो, का एहसास तो नहीं हो गया था जिसके चलते वो इतनी घबरा गई थी। आखिर उसकी बहन थी, उसे इतना प्यार करती थी, भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हो जाना। क्लियर ओवेंट। कपिल उस रूम में पहुंचा जिसमें क्लियर भर्ती थी। उसकी एक जाती हुई नर्स को रोका, सिस्टर इस वार्ड में एक लड़की को भर्ती किया गया था, उसकी हालत अब कैसी है? होश आ गया है सर, नर्स बोली, लेकिन किसी से कुछ बात नहीं कर रही है, जबकि उसका बात करना बेहद जरूरी है। क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? कपिल ने पूछा। बिल्कुल सर, नर्स कपिल को पहचानती थी। उसने रूम की ओर इशारा किया, आप अंदर जा सकते हैं। कपिल ने रूम में प्रवेश किया। क्लियर बिस्तर पर बैठी हुई थी, चेहरे से वो बेहद निराश लग रही थी। सुबह की तरह इस वक्त भी कपिल के अंदर आने पर उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। कपिल उसके बेड के पास पहुंचकर विजिटर्स के लिए रखी गई कुर्सी पर बैठ गया। हेलो क्लियर, उसने कहा। कोई जवाब नहीं। क्लियर, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो कुछ नहीं बोली। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, कपिल बोला। तुम जानती हो तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ है, पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार करना चाहती है, शायद तुम उसके बारे में कुछ जानती हो, शायद तुम्हें रेस्टोरेंट वाली घटना के बारे में भी कुछ पता है। रेस्टोरेंट वाली घटना सुनकर उसके शरीर में हरकत हुई, उसका शरीर धीरे से कांपा और फिर स्थिर हो गया। क्लियर, कपिल बोला, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पुलिस तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मैं तुम्हारे पिता के हत्यारे को किसी भी तरह गिरफ्तार करके ही दम लूंगा और उसे उसके किए की सजा भी दिलवाऊंगा और रेस्टोरेंट में हुए उस कत्ल की भी सजा दिलवाऊंगा, लेकिन हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्लियर, अगर तुम हमें कुछ बता सको तो हमें हत्यारे को पकड़ने में आसानी होगी। उसने चेहरा उठाकर कपिल की ओर देखा। वो खूबसूरत तो थी, उसकी नीली आंखें और भी ज्यादा सुंदर थी। कपिल एक मिनट के लिए अस्तब्ध सा हो गया। पहली बार वो कपिल की ओर देख रही थी। कपिल उसकी आंखों से नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सम्मोहन में जकड़ा जा रहा हो।
उस रात वो बेहद धीमे स्वर में बोल रही थी, लेकिन फिर भी कपिल को उसकी बात साफ सुनाई दे रही थी। इस दुनिया में केवल वे ही दो शख्स, कपिल का पूरा ध्यान उस पर ही केंद्रित हो गया था। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसका वर्णन करना कम से कम कपिल के लिए तो बेहद मुश्किल था। उस रात रेस्टोरेंट में चीख सुनाई दी, वो बहुत डरावनी चीख थी, बहुत डरावनी। वहां लाइट भी नहीं थी, फिर अंधेरे में ही एक लड़की मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वो मुझसे बड़ी थी, वो मुझे देख रही थी, लेकिन वो बहुत भयानक थी। लड़की, कपिल बोला, कौन लड़की? मैं उसे नहीं पहचानती। तुमने कहा वो भयानक थी, भयानक क्यों? क्लेयर ने सुनी सुनी आंखों से सामने की ओर देखा और फिर पलटकर सीधे कपिल की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अजीब से भाव थे जिन्हें कपिल समझ नहीं पाया। वो भयानक थी, क्लेयर ने कहा, क्योंकि वहां अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर वो अजीब ढंग से मुस्कुराई, वो दिखाई दे रही थी। कपिल क्लेयर के रूम से बाहर आया। क्लेयर की उलझन भरी बातों से वो कोई नतीजा नहीं निकाल पा रहा था। उसे उम्मीद थी कि क्लेयर के बयान से कुछ मदद मिलेगी, लेकिन क्लेयर ने जो बताया वो कहीं से भी केस में मददगार साबित होता नहीं दिख रहा था। पता नहीं वो किस लड़की की बात कर रही थी, तो क्या रेस्टोरेंट में जो चीख सुनाई दी थी वो उसी लड़की की थी जिसे क्लेयर ने देखा था? लेकिन उस बात का कोई मतलब नहीं निकलता था। फिर वो लड़की कहाँ गई? क्लेयर ने भी उसके बाद एक शब्द नहीं बोला। उठ जैसे बस उतनी ही बात कपिल से कहने के लिए अपनी उस ट्रांस अवस्था से बाहर आई थी। कपिल उसे कुछ जबरदस्ती को बुलवा नहीं सकता था, मजबूरन उसे कमरे से बाहर आना पड़ा था। उसने नर्स को क्लेयर का ध्यान रखने के लिए कहा और जब वो दोबारा बातचीत करने लगे तो फौरन उसे बताने के लिए भी कहा था। आखिर ये लड़की का क्या चक्कर था? कौन थी वो लड़की जिसकी चीख रेस्टोरेंट में सुनाई दी थी? अगर वो वही लड़की थी जो अंधेरे में क्लेयर के पास आई थी, तो उसके बाद क्या हुआ था? कहाँ गई वो लड़की? किसी और ने उसे क्यों नहीं देखा? क्या क्लेयर सब निरी बकवास कर रही थी, अपनी अस्थिर मानसिक हालात में बड़बड़ा रही थी? कपिल को क्लेयर के क्लेयरवेंट होने की बात ही हजम नहीं हो रही थी। वो इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था कि क्लेयरवेंट होने जैसा कुछ होता भी है। सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब क्या किया जाए। कपिल ने पूरे घटनाक्रम के बारे में शुरू से सोचना शुरू किया। कल रात रेस्टोरेंट में जो घटना हुई थी, उसके बारे में जो भी जानकारी उसे मिली थी, उसके बाद जो कुछ हुआ था, कोई क्लू तो मिले जिससे इस केस में आगे बढ़ने में मदद मिल सके। उसने आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। केस से जुड़े हर आदमी के बारे में ध्यानपूर्वक सोचने की कोशिश की। ऐसा कोई शख्स जिसने कोई अजीब हरकत की हो? एकाएक उसे कुछ ध्यान आया। सिस्टर, उसने वहां से गुजर रही एक नर्स को रोका। दो मिनट, आपसे कुछ पूछना है। जी, नर्स रुककर उसकी ओर प्रश्न सूचक निगाहों से देखने लगी। कपिल उस नर्स को पहचानता था। वो काफी समय से वहां अस्पताल में काम करती थी, उसके सवालों का सही से जवाब दे सकती थी। यहाँ अस्पताल में जब कोई डेड बॉडी आती है तो पोस्टमार्टम के लिए कौन कौन से डॉक्टर की ड्यूटी लगती है? मेरा मतलब डॉक्टर सौम्या के अलावा। डॉक्टर सौम्या के अलावा? नर्स सोचते हुए बोली, उनके अलावा तो डॉक्टर अभिषेक ही पोस्टमार्टम करते हैं। और डॉक्टर माधव? डॉक्टर माधव वो तो अस्पताल के हेड है, उन्हें क्या जरूरत है पोस्टमार्टम करने की? तो क्या वो कभी पोस्टमार्टम नहीं करते? नहीं, नर्स हिचकिचाई, कभी कभार जब कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी चाहिए होती है, या ऐसा ही कोई अर्जेंट मामला हो तब शायद। ओके,
थैंक यू वेरी मच सिस्टर। कपिल तीर की तेजी से हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। तूफानी बारिश में ही कपिल डॉक्टर माधव के घर पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने बेसब्री के साथ कॉल बेल बजाई। थोड़ी देर में डॉक्टर माधव ने दरवाजा खोला। कपिल, वो कपिल को देखकर हैरान हुए, तुम इतनी रात में इतनी बारिश में यहाँ? कपिल ने अंदर प्रवेश किया और डॉक्टर माधव की ओर घूमा। आपको लाश का पोस्टमार्टम करने की क्या जल्दी थी? डॉक्टर माधव के चेहरे पर मानो हल्दी फूट गई। क्या मतलब? उनकी आवाज लड़खड़ा उठी। कौन सी लाश डॉक्टर माधव? कपिल एक एक शब्द को चबाते हुए बोला, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत कीजिए। आपके पास यह आखिरी मौका है सच्चाई बयान करने का। इसके बाद भी आपने मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की या झूठ बोला, तो इसके बाद जो भी कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर माधव की पथराई हुई आंखें नीचे झुक गई। वो एकटक फर्श की ओर देख रहे थे। इससे पहले कपिल होश खोकर कुछ कर बैठता, पीछे से मल्लिका माधव की आवाज सुनाई दी, क्योंकि इन्हें जल्दी पोस्टमार्टम करने के लिए मैंने कहा था। कपिल घूमा, पीछे मल्लिका माधव खड़ी थी। उनके चेहरे पर भी भय की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आपने कहा था? कपिल बोला, आपने क्यों कहा था इन्हें पोस्टमार्टम जल्दी करने के लिए? वो कुछ नहीं बोली, पास में रखे सोफे पर बैठ गई। देखिए मिसेज माधव, कपिल उनके पास पहुंचा, मैं इनसे भी कहा है और आपसे भी कह रहा हूं, मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं जो भी कुछ पूछ रहा हूं और इस मामले में जो कुछ भी आप लोगों की भूमिका है उसे बिना किसी लाग लपेट के बता दीजिए, तो शायद मैं आप लोगों के साथ कुछ नरमी से पेश आ सकूं। अब ये डबल मर्डर का केस है, लीना गायब है, इस वक्त मैं एक सेकेंड समय भी बर्बाद करने की स्थिति में नहीं हूँ। बताइए, जल्दी पोस्टमार्टम करवाने के पीछे आपकी क्या दिलचस्पी थी? जिसका खून हुआ था, मिसेज माधव कांपते स्वर में बोली, वो एक लड़की थी। कपिल को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बोला, लाश को पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने तक कई लोगों ने देखा था, वो कोई आदमी ही था, आदमी नहीं था वो। मिसेज माधव चीख उठी, वो मेरी जिंदगी की दुश्मन थी, मेरी सबसे बड़ी भूल, पिछले 2-3 सालों से वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मुझे उसे पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। फिर जब मुझे विराज के बारे में पता चला तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मुझे लगा मैं उसे अपना काम करा रही हूँ, लेकिन मैं उसके जाल में फंसती चली गई, कहकर मिसेज माधव फूट फूट कर रोने लगी। ये वक्त पहेलियों में बातें करने का नहीं है मिसेज माधव। मल्लिका की एक सहेली थी, डॉक्टर माधव बोले, सीना सक्सेना, इस उम्र में काफ़ी छोटी थी, 24-25 साल की। करीब 3 साल पहले मल्लिका की उससे दिल्ली में एक दूर टूर के दौरान मुलाकात हुई थी। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गई थी, फिर बाद में भी दोनों एक दूसरे से मिलती रही। मल्लिका और भी ज़्यादा टूर पर जाने लगी, ये दोनों अक्सर बाहर मिला करती थी, कभी दिल्ली में तो कभी मुंबई में तो कभी कहीं और, होटलों में साथ रहा करती थी। मल्लिका ने मुझे कभी इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। करीब आ गई थी, कपिल हैरानी से बोला, क्या मतलब हुआ इसका? डॉक्टर माधव चुप हो गए। कपिल मिसेज माधव की ओर घूमा, तो आप दोनों के बीच, आपके और सीना के साथ संबंध थे? मिसेज माधव का सिर झुक गया। फिर कपिल बेसब्री के साथ बोला, उसके बाद क्या हुआ? वो मुझे फॉलो करने लगी, मिसेज माधव ही बोली, मेरे पीछे पड़ गई बुरी तरह से,
उसकी हरकतें देखकर मैं उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो मानती नहीं थी। वो इस मामले में काफ़ी डोमिनेटिंग थी, अपनी बात मनवाने के लिए हावी होने लगती थी। उसके मन की नहीं होती थी तो पागलों की तरह वर्ताव करने लगती थी। उससे डर लगने लगा था मुझे। वो चाहती थी, वो क्या चाहती थी? मिसेज माधव को बात पूरी नहीं करते देख कपिल ने जोर देकर कहा, वो मुझसे शादी करना चाहती थी। वो चाहती थी हम दोनों साथ रहे, पति पत्नी की तरह एक साथ संबंधों में रहे। उसके साथ गुलछर्रे उड़ाते समय तुमने एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, डॉक्टर माधव बीच में कराहते से बोले। मिसेज माधव ने क्षमा याचना और शर्मिंदगी वाली दृष्टि से अपने पति की ओर देखा, फिर कपिल से मुखातिब हुई। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब मुझे पता चला मैं कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। वो किसी तरह मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उसे साफ शब्दों में कहने की कोशिश की कि अब मैं उसे अलग होना चाहती हूँ, तो वो हिंसक होने लगती थी। आखिरकार मैंने उससे मिलना जुलना ही बंद कर दिया। मैं उसका फोन भी नहीं उठाती थी, लेकिन वो मानने वाली नहीं थी। वो हमारे घर तक आ गई। उसकी इस हरकत ने मुझे हिला कर रख दिया। मेरी खुद की जवान बेटी है, सोसाइटी में हमारी इज्जत है, मान सम्मान है। मैं उसे किसी कीमत पर उसकी बेवकूफ़ी और अपनी गलतियों के कारण गंवाना नहीं चाहती थी। जिस दिन वो हमारे घर आई थी, उसी दिन मैंने निर्णय कर लिया था कि उसे पीछा छुड़ाने के लिए चाहे जो करना पड़े मैं अब करूँगी, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊँगी। मैंने उसे घर आने के लिए फटकार लगाई। मैंने उसे अस्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं उसके लिए अपनी बेटी, अपने पति, समाज में अपने मान सम्मान का बलिदान नहीं दे सकती, लेकिन वो मुझे ही धमकाने लगी। उसने कहा कि वो उस वजह को ही खत्म कर देगी। उसने इन्हें और मेरी बेटी को जान से मारने की धमकी दी, मुझे भी मारने की धमकी दी। सीना ने कहा था कि वो हम सबको खत्म कर देगी और खुद भी जान दे देगी। उसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने हर कोशिश करके देख ली। मैंने उसे कह दिया कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो केवल भावनात्मक बहाव था, वरना मैं किसी पुरुष से ही प्यार करना चाहूंगी, किसी औरत से नहीं, किसी स्त्री से नहीं। उसे विश्वास में लेने के लिए मैंने ये तक कह दिया था कि मैं उसे शादी कर लेती अगर वो एक लड़का होता। मैं एक स्त्री होकर स्वयं किसी स्त्री से भला कैसे शादी कर सकती थी? उसने मुझसे कहा कि क्या मैं सच कह रही हूँ? उस वक्त मुझे उसके इरादे की भनक तक नहीं लगी थी। मैं बस कुछ भी कहकर उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। मैंने हाँ कह दिया। उसने कहा, ये मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ ना? मैंने उस पर भी हाँ कर दी। उसके बाद वो चली गई। कुछ महीने बाद वो वापस लौटी तो लड़की नहीं थी। क्या? कपिल अवाक रह गया। उसने अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा लिया था। वो औरत से अब मर्द बन चुकी थी। उसने फिर मुझसे संपर्क किया। कुछ महीनों से उसकी कोई कॉल, उससे कोई संपर्क नहीं होने से मैं खुश थी कि उसे पीछा छूट गया। मुझे लगा उसे अकल आ गई, लेकिन वो तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खा चुकी थी। जब वो वापस लौटी तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। फिर उसी ने मुझे अपने ऑपरेशन के बारे में बताया। मैं सन्न रह गई। जिस मुसीबत से मैं पीछा छूटने की खुशी मना रही थी, वो और भी बड़ी मुसीबत बनकर लौट आई थी, या लौट आया था। वो मुझ पर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी, घर से पैसा वगैरह इकट्ठा करके उसके साथ भाग चलने के लिए कहने लगी। वो मुझसे कहती थी कि उसने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, ऑपरेशन कराकर लड़की से लड़का बनी है, तो मुझे भी अब इसकी कीमत चुकानी होगी। वो मेरे परिवार की कुर्बानी मांगती थी मुझसे। कहते कहते मिसेज माधव फूट फूट कर रोने लगी।
पथराई से बैठे डॉक्टर माधव ने उसे सांत्वना देने का कोई प्रयास नहीं किया। वो अपनी कुर्सी पर बैठे जैसे कहीं शून्य में ताक रहे थे। लेकिन कपिल के लिए वक्त बहुत कीमती था। अपने आप को संभालिए मिसेज माधव, उसने कहा। फिर आपने क्या किया? इसी दौरान किसी तरह इन्हें पूरे मामले की खबर लग गई। इन्होंने मुझे जमकर फटकारा। हमारे बीच अब रोज झगड़े होने लगे। इसका असर कंचन पर पड़ने लगा। हम उसके सामने झगड़ा ना करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो घर पर नहीं होती थी तो अपने आप को रोक नहीं पाते थे। ऐसे ही झगड़ों के बीच कंचन को भी मेरी हकीकत पता चल गई। वो मुझे गिरी हुई निगाहों से देखने लगी। वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उसकी माँ एक लेस्बियन थी। एक बार तो घर छोड़कर ही भाग गई। हमने बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढा। उसके बाद से ही मैं कंचन के लिए और भी ज़्यादा परेशान रहने लगी और उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नज़रों के सामने रखने की कोशिश करने लगी। वो कहीं बाहर गई होती तो उसे फ़ोन करके पूछती रहती। सीना, कपिल बोला, उस लड़की उस आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए आपने क्या किया? मुझसे फिर बहुत बड़ी गलती हो गई। पहले जब हमारे संबंध अच्छे थे तो सीना ने मुझे उसके घर वाले के बारे में बताया था। उसने बताया था कि उसका एक भाई है जिसका नाम विराज है। उनके परिवार में कुछ झगड़ा हुआ था जिसके चलते विराज सीना से बेहद नफरत करता था। उसका बस चलता तो सीना की जान ही ले लेता और उसने ले भी ली। कमरे में एक क्षण सन्नाटा छाया रहा। मैंने सोचा कि जब सीना मेरे घर पहुंच सकती है, मिसेज माधव बोली तो उसके स्वर में दहशत के भाव थे, तो मैं उसके घर क्यों नहीं पहुंच सकती? मैं किसी तरह सीना के भाई विराज का पता लगाया और संपर्क साधा, लेकिन मुझे क्या पता था कि कुएं में गिरने से बचने के लिए मैंने खाई में छलांग लगा दी थी। वो तो वैसी दरिंदा निकला, राक्षस। मैंने इस उम्मीद में उससे संपर्क करके उसे सब कुछ बताया था कि वो सीना से पीछा छुड़ाने में मेरी मदद करेगा। क्या उसने मदद की? की, लेकिन अपने लिए। वो एक साइकोपैथ हत्यारा है, पहले भी कई हत्याओं के जुर्म में जेल में रह चुका है, लेकिन ये बात मुझे उसे संपर्क करने से पहले नहीं पता थी। ये उसी ने मुझे बाद में बताया। सीना ने उसके जेल में रहने के दौरान उनके माँ बाप की सारी जमीन जायदाद हड़प ली थी। उसी के दम पर वो दुनिया भर में ऐश करती घूम रही थी। मांगा सेक्स चेंज ऑपरेशन भी उसने उसी दौलत से करवाया था। विराज तभी से उसे मारने की फिराक में घूम रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो जेल से फरार है, साइकोपैथ किलर है, लेकिन वो अपनी बहन से भी बड़ा राक्षस था। उसने मेरे गले पर छुरा रखकर कहा कि सीना को मारने में मुझे उसकी मदद करनी होगी, वरना वो मुझे और मेरे परिवार को मौत के घाट उतार देगा। तो रेस्टोरेंट में जो हुआ वो आपकी और विराज की मिली भगत का नतीजा था? उसने मुझे मजबूर किया था? मिसेज माधव की आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरा प्लान उसने बनाया था, मुझे केवल उसकी मदद करनी थी। सीना ने ही मुझे उसके और सौम्या की डेट के बारे में बताया था और मेरे माध्यम से ही ये बात विराज को पता चली। वो ठीक 7:20 पर रेस्टोरेंट की लाइट बंद करने के लिए तैयार था। उस दौरान मैंने सीना को जो गुलाब का फूल लगाए, रवि शुक्ला बनी रेस्टोरेंट में बैठी सौम्या का इंतजार कर रही थी, एसएमएस भेजकर वो वॉशरूम में बुलाया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही सौम्या वहाँ आ गई थी। फिर मैं भी वो वॉशरूम वाले गलियारे में चली गई। उसके बाद विराज ने रेस्टोरेंट की लाइट बंद कर दी और गलियारे के उस दूसरे दरवाजे से जो मैंने उसके लिए पहले से खोल रखा था वो वॉशरूम में पहुँचा और उसने सीना को मार डाला। बाहर जोरों की बारिश के साथ ही तूफान भी तेज होने लगा था।
और वहाँ करीब 24 घंटे पहले हुए उस निशंस हत्याकांड की परत दर परत खुलती जा रही थी। बाहर मौसम अभी भी तेज हवाओं के साथ मूसलधारे बारिश बरसा रहा था। सिन्हा को मारने के बाद वो वापस आया और उसी दरवाजे से वापस लौट गया। मैं भी उसके पीछे पीछे ही निकल गई और काउंटर के पीछे वाले रास्ते से होकर अपनी जगह पर जा पहुंची। उस समय उस चीख, अंधेरे और उस घटना ने सबको दहशत में डाल दिया था। जिससे मैं काउंटर के पीछे वाले रास्ते से आई थी तो किसी ने नोटिस नहीं किया। सबका ध्यान वॉशरूम वाले दरवाजे की ओर ही था। फिर मैंने बाद में बहाना बना दिया कि मैं चीख से पहले ही अपनी टेबल पर वापस आ चुकी थी। उन्होंने अपराधी भाव से स्वीकृति में सिर हिलाया। तो लड़की की चीख जो रेस्टोरेंट में सबने सुनी थी वो सिन्हा की थी, कपिल अस्तब्ध स्वर में बोला। हाँ, उसका सेक्स चेंज ऑपरेशन सफल तो रहा था, लेकिन किसी कारणवश उसकी आवाज़ नहीं बदल पाई थी। वो उसकी पुरानी आवाज़ की तरह ही थी। वो अपनी आवाज़ बदलने के लिए जानबूझकर आवाज़ बिगाड़कर आवाज़ को भारी बनाकर बोलने की कोशिश करती थी, लेकिन अचानक कुछ बोलना पड़े तो उसके मुंह से उसकी असली आवाज़ ही निकलती थी। वो कहती थी कि आवाज़ बदलवाने के लिए उसे एक और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। कपिल का दिमाग साए साए कर रहा था। जिस लड़की की चीख ने उन्हें इतना चक्कर में डाला था वो वही थी जिसकी हत्या हुई थी। फिर क्लेयर ने अंधेरे में किस लड़की को देखा था? कपिल के पास इन सब बातों को सोचने का समय नहीं था। विराज ने जॉन स्मिथ को क्यों मारा? उसने मिसेज माधव से पूछा। मुझे नहीं पता, वो सुबकती हुई बोली। उसने आपके सामने कभी जॉन स्मिथ का जिक्र किया था? नहीं, मैं नहीं जानती। मैं जॉन स्मिथ नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानती। वो भी उस रात अपनी बेटी के साथ वहीं मौजूद था। उसकी बेटी क्लेरो बीमार थी, इसलिए वो अंधेरे में ही उसे लेकर रेस्टोरेंट पर चला गया था। मैंने कहा ना, मैं किसी जॉन स्मिथ के बारे में कुछ नहीं जानती। मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से विराज को जॉन स्मिथ की जान लेनी पड़ी। मैं नहीं जानती। तो आपने झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई, क्योंकि अगर कोई और डॉक्टर पोस्टमार्टम करता तो उसके सेक्स चेंज ऑपरेशन का खुलासा हो जाता। आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने नहीं आने दी। मरने वाले के सेक्स चेंज ऑपरेशन की बात पर पर्दा डालने के लिए, कपिल ने डॉक्टर माधव से सवाल किया। डॉक्टर माधव चुपचाप पथराई आंखों से फर्श को घूरते रहे। इन्हें मैंने मजबूर किया, मिसेज माधव बोली। ये घटना की रात तक नहीं जानते थे कि क्या हुआ था, कि उस मर्डर में मैं भी इन्वॉल्व थी। ये भी नहीं जानते थे कि मरने वाला वही है जिसने हमारे परिवार की नाक में दम कर रखा था, हमारी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। फिर ये केवल इतना जानते थे कि मैंने सिन्हा के भाई से संपर्क किया है और बहुत खतरनाक आदमी है। इन्होंने मुझे उससे मिलने के लिए मना भी किया, लेकिन मैं तो गलती पर गलती करती ही जा रही थी। मैंने उससे बहुत डर गई थी। वो बहुत खूंखार आदमी है। उसने कहा था कि सिन्हा से तो उसका बदला लेना ही है, उसे वो किसी भी तरह किसी भी हालत में मार ही देगा। अगर मैं उसका साथ दूंगी तो मुझे सिन्हा नाम की मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन अगर मैंने साथ नहीं दिया तो मुझे उसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। वो भी अपनी बहन की तरह मेरे परिवार को खत्म करने की बात कहकर मुझे धमका रहा था। आपने ये सब डॉक्टर माधव को बताया? नहीं, कत्ल की रात तक नहीं। अगर मैंने बता देती तो ये कभी मुझे उस राक्षस की योजना का हिस्सा नहीं बनने देते। लेकिन उस रात रेस्टोरेंट से लौटकर आने के बाद मैंने पूरी बात बता दी।
ये भी मैंने विराज के कहने पर किया। मैंने इन्हें समझाया कि अगर सीना का पोस्टमार्टम कोई और डॉक्टर करता तो उससे एक्सचेंज ऑपरेशन वाली बात सामने आ जाती थी, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन भी हो सकता था। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका यही था कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्स चेंज ऑपरेशन वाली बात सामने नहीं आने दी जाती। किसी को शक भी नहीं होता, और वैसे भी पोस्टमार्टम मृत्यु का कारण जानने के लिए किया जाता है। वो तो सबके सामने था, उसके पेट पर वो वार करके उसे मारा गया था। आपको पुलिस से संपर्क करना चाहिए था, कपिल ने डॉक्टर माधव की ओर देखा। डॉक्टर माधव चेहरे पर अपराधी भाव लिए नीचे जमीन की ओर देख रहे थे। मिसेज माधव ने ही कपिल की बात का जवाब दिया। ये तो पुलिस के पास जाना चाहते थे, मैंने ही नहीं रोका, क्योंकि सीना पूरी तरह पागल थी। मैं इसे बहुत डरती थी, उसके सिर पर खून सवार हो जाता था। पिछले 2-3 सालों से उसने मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया था। मुझे लगा उसके भाई के उससे बदला लेने के इस चक्कर में मेरा सीना से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा, और फिर उसका भाई, हे भगवान। सीना ने भले ही मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया था, लेकिन उसके उस वैसे भाई के सामने तो वो फरिश्ते की तरह थी। वो तो पूरा राक्षस है, वो एक साइकोपैथ किलर है, डॉक्टर माधव बोले। मैं उसके बारे में पता किया था, दिल्ली में कई सिलसिलेवार निशंस हत्याओं के मामले में सीबीआई को उसकी तलाश है। मैंने उसके बारे में पता लगवाया था। उसके बारे में पता चलने के बाद हम लोग बुरी तरह डर गए थे, उसकी बातें मानने के लिए हम लोग मजबूर हो गए थे। ये विराज सक्सेना कहाँ मिलेगा? आजकल वो वीर सिंह के नाम से हॉस्पिटल में ही पोस्टमार्टम हाउस में काम कर रहा है। कपिल के जाने के बाद सौम्या वापस सोफे पर आकर बैठ गई। उसने मोबाइल उठाकर एक बार फिर लीना को कॉल लगाने का प्रयास किया, लेकिन लीना का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। अचानक सौम्या को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले वो हिल भी पाती, पीछे से दो हाथ आए और उसके मुंह पर एक भीगा हुआ रुमाल रखकर उसे दबोच लिया। वो कुछ सेकेंडों के लिए मचली, फिर उसका शरीर ढीला पड़ गया, वो बेहोश हो चुकी थी। कपिल ने वीर सिंह के घर के बाहर कार रोकी। वो कार से उतरकर लगभग दौड़ते हुए घर के दरवाजे तक पहुंचा। उसके साथ अमन भी था। दरवाजा बाहर से लॉक्ड था। कपिल ने कंधे से दरवाजे को टक्कर मारी। कंधे की दूसरी जोरदार टक्कर में ही अंदर की छिटकनी उखड़ गई और कपिल दरवाजे को धकेल कर अंदर प्रवेश कर गया। आनन फानन में कपिल ने पूरे घर का एक चक्कर लगाया, कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। एक छोटे कमरे जो कि स्टोर रूम जैसा लग रहा था कि आगे से गुजरते हुए कपिल अचानक ठिठक गया। वहां कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, और वो आवाज इतनी तेज थी कि बारिश के तेज शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि वो आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी। जमीन के नीचे से, उसने मन ही मन सोचा। तभी दरवाजे पर कुछ आहट सी हुई। कपिल ने रिवॉल्वर निकाल ली और तेजी के साथ दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे पर हाथ में छाता लिए एक औरत खड़ी थी जो हैरानी से कपिल को देख रही थी। कपिल ने रिवॉल्वर उसकी ओर लगभग तान ही दी थी, फिर उसे देखकर रिवॉल्वर नीचे कर दी। कौन हो तुम? न चाहते हुए भी कपिल का स्वर कर्कश हो उठा था। मैं, वो हड़बड़ाई से बोली, मेरा नाम मेनका है, मेनका लोखंडे। मैं पास ही में रहती हूँ, यहाँ वीर सिंह से मिलने आई थी। वीर सिंह कहाँ है? मुझे नहीं पता, घर पर नहीं है, अभी 5 मिनट पहले तो यहीं था। 5 मिनट पहले? कपिल को अफसोस हुआ। अगर वो थोड़ी देर पहले वहाँ आया होता तो शायद उसे वीर सिंह मिल जाता। उस औरत की
नजरें खिड़की की ओर भटकती देख कपिल का ध्यान भी खिड़की की ओर गया। वहां क्या है, उसने पूछा। मेनका ने जवाब नहीं दिया। कपिल खिड़की के पास पहुंचा और बाहर झांक कर देखा। खिड़की के बाहर घर के बगल के हिस्से के आंगन का नजारा दिखाई दे रहा था, जहां एक बड़ी झिल्ली तानकर चारों कोनों में किसी न किसी चीज से बांधकर बिछाया गया था। कपिल की आंखें सिकुड़ गई। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके पीछे से आवाज आई। कपिल ने चौंक कर देखा। वो औरत मेनका उसके एकदम पास में आकर खड़ी हो गई थी और वो भी खिड़की से बाहर झांक रही थी। क्या, कपिल हैरानी से बोला। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वीर सिंह बहुत अच्छा इंसान है, पर्यावरण के प्रति जागरूक। ये झिल्ली से पानी इकट्ठा होकर एक गड्ढे में जा रहा है, उससे भूमिगत जलस्तर बढ़ेगा। कपिल उसकी बाकी बात सुनने के लिए वहां नहीं था। वो बिजली की तेजी से लपकते हुए उस स्टोर रूम नुमा कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचा, जहां वो अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। दरवाजा बंद था और बाहर से लॉक्ड भी था। उसने दरवाजे के बीच में कुंडी वाले हिस्से का पूरी ताकत से लात मारी। एक ही प्रहार में कुंडी उखड़ गई और दरवाजा भड़ाक से खुल गया। कपिल ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। अंदर एक और दरवाजा था, उस पर कोई ताला नहीं लगा था, केवल बाहर से चिटकनी लगी हुई थी। कपिल ने जल्दी से उसे खोला। अंदर नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियां थी। सीढ़ियों के सबसे नीचे पानी भरा नजर आ रहा था और पानी में हलचल भी हो रही थी। बाकी पूरा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। उस बेसमेंट में कहीं से पानी की मोटी धार गिर रही थी, जिसकी काफी आवाज काफी तेज थी, और वही आवाज कपिल ने उस स्टोर रूम के बाहर से गुजरते हुए सुनी थी। उस पानी की धार गिरने के कारण ही बेसमेंट में भरे पानी में लहरें उठ रही थी। कपिल ने आसपास निगाह दौड़ाई। सीढ़ियों के पास एक स्विच नजर आया। कपिल ने तुरंत उस स्विच को ऑन किया। स्विच ऑन करते ही पूरा बेसमेंट दुधिया रोशनी से नहा गया। नीचे तालाब में बदल चुके बेसमेंट में लीना पानी में डूबी हुई बुरी तरह तड़प रही थी। वो सांस लेने के लिए चेहरा पानी से ऊपर लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी अब काफी ऊपर उठ चुका था। अंदर का भयावह दृश्य देखकर कपिल को एक क्षण के लिए अपनी रगों में खून जबता सा महसूस हुआ, लेकिन तुरंत ही खुद को संभालते हुए वो शैतान किसी फुर्ती से नीचे उतरता चला गया। अगले ही क्षण वो बेसमेंट के फर्श पर कमर तक पानी में डूबा हुआ था। उसने लीला को उठाने की कोशिश की, लेकिन दीवार के साथ लगे एक पिलर से मजबूती से बंधी हुई थी। कपिल ने ऊपर सीढ़ियों पर खड़े अमन की ओर देखा, जो कि तेजी से नीचे उतरने वाला था, लेकिन कपिल उसे ऊपर ही रहने का इशारा करते हुए चीखा, चाकू चाकू लाओ, इसके हाथ बंधे हुए हैं। अमन उल्टे पांव वापस लौट गया। कपिल पूरा पानी में बैठ गया और उसने लीना को अपनी गोद में उठाकर ऊपर उठाने का प्रयास किया। लीना मजबूती से बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी कपिल ने किसी तरह उसे खींचकर इतना ऊपर उठाए लिया था कि उसका चेहरा पानी के ऊपर आ गया। कपिल ने उसके मुंह पर बंधी पट्टी खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी मजबूती से बंधी हुई थी। तभी अमन सीढ़ियों से धड़धड़ाते हुए नीचे उतरा। उसके हाथ में एक चाकू था, जो कि वो घर के किचन से उठाकर लाया था। मैं इसे ऊपर उठाए हूं, कपिल हाफता सा बोला। इसके हाथ पैरों की रस्सी काटो और जल्दी करो, पानी तेजी से भर रहा है। अमन पानी में डुबकी लगा गया। कपिल ने व्यग्र भाव से लीना के चेहरे की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो होश खो बैठी थी। तभी कमरे में आ रही लगातार पानी गिरने की जोरदार आवाज बंद हो गई। कपिल ने रोशनदान की ओर देखा। मेनका ने समझदारी का काम किया था। उसने आंगन में जाकर झिल्ली को खींच दिया था
और वो कूपी जैसी चीज भी निकाल दी थी जिससे बेसमेंट में पानी आकर गिर रहा था। कपिल ने मन ही मन उसका शुक्रिया अदा किया। ये अमन क्या कर रहा है, रस्सी काटने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? अमन, कपिल तीव्र स्वर में बोला, जल्दी करो। तभी एक झटके के साथ लीना आजाद हो गई। नीचे अमन ने लीना के बंधन काट कर खोल दिए थे। अगले ही क्षण अमन भी पानी की सतह के ऊपर आ गया और उसने जोर की सांस ली। रस्सी बहुत मजबूत थी, वो हांफते स्वर में बोला, कठी नहीं रही थी। कपिल लीना को गोद में लेकर उठ खड़ा हुआ और उसे उठाए उठाए बेसमेंट की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। बाहर वाले कमरे में आकर उसने लीना को फर्श पर लिटा दिया। उस लिटाने के बाद कपिल ने सबसे पहला काम लीना के मुंह पर बंधे कपड़े को खोलने को किया। मेनका भी दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुई। बेसमेंट में गिर रहे पानी को रोकने झिल्ली हटाने के चक्कर में वो सिर से पांव तक भीग गई थी। लीना, कपिल ने फर्श पर पड़ी लीना के गाल थपथपाए। लीना, होश में आओ। उसे एहसास हुआ कि पानी में डूबे रहने के कारण लीना काफी पानी पी गई थी। हटिए। तभी मेनका उनके पास आ पहुंची। मैं नर्स की ट्रेनिंग ले चुकी हूं, मुझे देखने दीजिए। कपिल घिसटता सा एक और हो गया। मेनका लीना के पेट से पानी निकालने की कोशिश में जुट गई। कपिल ने घूमकर अमन की ओर देखा तो पाया कि उससे भी ज्यादा बदहवास ढंग से लीना को देख रहा था। तभी खांसी के साथ लीना ने काफी सारा पानी उलट दिया। मेनका ने उसे सहारा देकर बिठाया और उसकी पीठ सहलाने लगी। डॉक्टर, कपिल अमन से बोला, डॉक्टर को फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ फौरन। अमन ने तत्काल मोबाइल निकाला और इमरजेंसी नंबर डायल किया। कपिल को अचानक सौम्या का ध्यान आया। सौम्या घर पर अकेली थी। पहले उसने सौम्या के घर पुलिस भेजने का इरादा किया। नहीं, बाहर तूफान और बारिश जोरों पर थी। पुलिस स्टेशन सौम्या के घर से दूर था। उसने अर्णब को फोन लगाया। अर्णब का घर सौम्या के घर के पास ही था। हेलो, उधर से अर्णब की आवाज सुनाई दी। अर्णब, कपिल बोला, फौरन सौम्या के घर जाओ और वहां जाकर मुझे कॉल करो। क्या हुआ सौम्या को? अर्णब की आवाज में चिंता की झलक थी। सौम्या को नहीं, लीना को। हत्यारे का पता चल गया है। उसका नाम वीर सिंह है। वो सौम्या के हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हाउस में काम करता है, लेकिन उसका असली नाम कुछ और है। वो एक साइको किलर है। उसने लीना को भी जान से मारने की कोशिश की। प्लीज तुम फौरन सौम्या के पास पहुंचो और मेरे आने तक उसके साथ ही रहना। मैं घर से निकल भी गया हूं। उधर से अर्णव का स्वर सुनाई दिया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। फोन पर कपिल जिस तरह बदहवासी में बोल रहा था उससे अर्णव भी परेशान उठा था। बाहर अभी भी जोरदार बारिश हो रही थी और तूफान भी जोर पकड़ने लगा था, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए अर्णव लगभग दौड़ते हुए सौम्या के घर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कॉल बेल बजाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने 2-3 बार कॉल बेल बजाई और फिर भी जवाब नहीं मिलने पर बेसब्री के साथ जोर से दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। सौम्या, अर्णव ने जोर से आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। कोई प्रतिक्रिया नहीं। अर्णव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। बगल के घर की खिड़की से एक अधेड़ औरत बाहर झांकते हुए भयभीत सी उसकी ओर देख रही थी। अर्णव उसे जानता था। उसका नाम मालती माथुर था। वो सौम्या की पड़ोसी थी और उस घर में अकेली ही रहती थी। उसका बेटा कहीं विदेश में काम करता था और अपनी माँ को छोड़कर अपनी बीवी बच्चों के साथ विदेश में रहता था। अर्णव लपकते हुए उसके पास पहुंचा। मिसेज माथुर, बारिश और तेज हवाओं के शोर के कारण, अर्णव ऊंचे स्वर में बोला जिसे उसे सुनाई दे सके, आपने सौम्या को देखा है क्या? वो दरवाजा नहीं खोल रही है। अर्णव की बात का जवाब देने के स्थान पर उस औरत ने भयभीत निगाहों से सौम्या के घर के पिछले हिस्से की ओर देखा। अर्णव ने उनकी नजरों का पीछा किया। क्या हुआ? वो जोर से बोला, एक आदमी। मिसेज माथुर भयभीत से स्वर में बोली,
उसे उसे उठा कर ले गया। किसे? वो शायद सौम्या ही थी। वो पिछले दरवाजे से उसे गोद में उठाकर बाहर निकला था। वहां एक कार खड़ी थी। उस आदमी ने उसे कार में डाला और कार स्टार्ट करके चला गया। कितनी देर पहले? अर्नब बेसब्री के साथ बोला, अभी कोई 5-10 मिनट पहले। किशोर गया है वो? अर्नब बोला, उस तरफ। उन्होंने घर के पिछले हिस्से वाली सुनी गली के दूसरी ओर इशारा किया, जिधर से एक शॉर्टकट रास्ता अस्पताल की ओर था। हालांकि वो रास्ता कब्रिस्तान से होकर गुजरने के कारण आमतौर पर लोग उसका उपयोग कम ही करते थे। वीर सिंह, पोस्टमार्टम हाउस, पुलिस, अर्नब चिल्लाया, पुलिस को फोन कीजिए, उन्हें पूरी बात बताइए और जल्दी से पोस्टमार्टम हाउस जाने के लिए कहिए। मैंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की थी, मिसेज माथुर बोली, लेकिन फोन नहीं लग रहा है, शायद बारिश के कारण। लेकिन अर्नब उसकी बात सुनने के लिए वहां नहीं था। वो मूसलधार बारिश में भीगते हुए तूफान के बीच उसी रास्ते पर दौड़ता चला गया। जी सर, मिसेज माथुर ने कार को जाते हुए देखी थी। बारिश और तेज हो गई थी, प्रचंड हवाओं में पैर टिका पाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन अर्नब जानता था कि एक पल की भी देरी सौम्या के लिए घातक साबित हो सकती थी। हॉस्पिटल, पोस्टमार्टम हाउस, वीर सिंह, सौम्या, वो तूफान और बारिश के बीच अंधाधुंध दौड़ता चला गया। सौम्या को होश आया। उसे लग रहा था मानो उसके शरीर में जान ही नहीं थी। चारों ओर अंधेरा था। उसने उठने का प्रयास किया तो जिस चीज पर वो लेटी हुई थी वो हिली। वो स्ट्रेचर पर थी। स्ट्रेचर, कमरे में आ रही गंधों से जानी पहचानी लगी। फिर जैसे ही सौम्या को एहसास हुआ कि वो कहाँ थी तो सन्नरा गई। वो पोस्टमार्टम हाउस में थी। पोस्टमार्टम हाउस के उस कमरे में जिसमें पोस्टमार्टम किया जाता था, जिसमें खुद उसने ना जाने कितनी लाशों का पोस्टमार्टम किया था। उसका सिर बुरी तरह दुख रहा था। आखिर हो क्या रहा था ये? वो तो घर पर थी, फिर अचानक पोस्टमार्टम हाउस में कैसे पहुंच गई? क्या ये कोई डरावना सपना था पिछली रात की तरह? नहीं, धड़ धड़ करते हुए उसके दिमाग ने उसे हकीकत का एहसास दिलाया, ये कोई सपना नहीं था। फिर धीरे धीरे सौम्या को याद आया कि उस सोफे पर बैठी जब पीछे से दो हाथों ने उसे जकड़ लिया था और उसके चेहरे पर गीला कपड़ा रख दिया था, उसे वहां बेहोश करके लाया गया था। सौम्या मन ही मन बुरी तरह आतंकित हो उठी। कौन लाया था उसे यहां इस तरह बेहोश करके? तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो बहुत बड़े खतरे में है। इस तरह स्ट्रेचर पर पड़े रहने से काम नहीं चलेगा। सौम्या ने अपने सिर में हो रहे दर्द और कमजोरी को नजरअंदाज करते हुए पूरी शक्ति को समेटा और स्ट्रेचर पर उठकर बैठने की कोशिश की। पूरी इच्छा शक्ति लगाने पर वो किसी प्रकार उठकर बैठ सकी। एक बार उठकर बैठने के बाद उसे अपने हाथ पैरों में धीरे धीरे जान वापस लौटती लगने लगी थी। अंधेरे में ही वो सावधानी से स्ट्रेचर से नीचे उतरी। वो उस कमरे में कई बार आ चुकी थी लेकिन फिर भी अंधेरे में कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। इस वक्त उसे अपना दिमाग भी ठिकाने पर नहीं लग रहा था। जिस दवा से उसे बेहोश किया गया था ये उसी दवा का असर था। आगे अंधेरे में टटोलते उसके हाथ सेल्फ से टकराए। वो उल्टी तरफ जा रही थी। वो सेल्फ तो दरवाजे के सामने की ओर दीवार के पास रहती थी। उसे दिशा भ्रम हो रहा था। एक क्षण रोककर उसने अपने दिमाग को ठिकाने पर लाने की कोशिश की, फिर उस सेल्फ को ही कंपास मानते हुए अपनी पीठ की दिशा में घूम गई। अब उसके सामने ज्यादा से ज्यादा 10-12 कदम की दूरी पर दरवाजा होना चाहिए था। अंधेरे में बेहद सावधानी से चलते हुए वे दरवाजे की ओर बढ़ी। अचानक उसे एहसास हुआ कि रास्ते में कोई खड़ा था।
वो अपनी जगह थमक कर खड़ी हो गई। सौम्या, किसी ने उसका नाम लिया। वो शख्स इतना पास था कि नाम लेने पर उसके मुंह से निकली हवा सौम्या के चेहरे से टकराई। सौम्या बुरी तरह बौखला कर तेजी के साथ पीछे हटी। बौखलाहट में ही वो इतनी तेजी से पीछे हटी कि पीछे लगी सिल्फ से जोर से जाकर टकराई। सिल्फ पर रखी चीजें ही ली, सिल्फ से कुछ गिरा जो उसके कंधे से टकराता हुआ टन की आवाज से फर्श पर जा गिरा। सौम्या अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर सामने देखने की कोशिश कर रही थी। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और तेज हवाओं के चलने की आवाज भी आ रही थी। अचानक एक जोर का वार सौम्या के चेहरे पर पड़ा। सौम्या के गले से घुटी घुटी सी चीख निकली जो बाहर हो रही जोरदार बारिश के शोर में कहीं खो गई। वो फर्श पर गिर पड़ी। किसी ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और ठंडे फर्श पर बेरहमी पूर्वक घसीटने लगा। आह! सौम्या के हाथ अपने बालों पर कसे उसके शिकंजे पर जहां पहुंचे और बालों को उसने छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो पूर्वता सौम्या को घसीटते हुए एक ओर लिए जा रहा था। कैसी है डॉक्टर मैडम? एक जानी पहचानी आवाज सौम्या के कानों में गूंज उठी। वीर सिंह, सौम्या दहशतपूर्ण स्वर में बोली, तुम वीर सिंह हो? सही पहचाना, मैं वीर सिंह ही हूं, लेकिन दिल्ली में लोग मुझे विराज सक्सेना के रूप में ज्यादा जानते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो वीर सिंह? सौम्या आतंकित स्वर में बोली, तुम मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसलिए माय डियर डॉक्टर मैडम, वो सौम्या को घसीटते ही दीवार के पास पहुंचा जहां उसने स्विच बोर्ड पर लगा बटन दबाया तो कमरा दुधिया रोशनी से चकाचौंध उठा। क्योंकि तुम्हारे इस दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है और तुम्हारी बदकिस्मती से ये जिम्मेदारी ऊपर वाले ने मुझे सौंपी है। तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मैं सचमुच सचमुच दिल से चाहता था कि मुझे तुम्हें ना मारने पड़े। काश काश कि ऊपर वाले ने तुम्हारे इस दुनिया से जाने के माध्यम के रूप में किसी और को चुना होता। तुम्हें कहीं करंट लग जाता, तुम सीढ़ियों से गिर जाती, हेल इस तूफानी बारिश में तुम पर बिजली ही गिर जाती, लेकिन नहीं, ऊपर वाले को तो मुझे ही चुनना था तुम्हें जहन्नुम का रास्ता दिखाने के लिए। और जानती हो, उसने घूमकर सौम्या की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान थी, मैं इस काम के लिए सबसे गलत इंसान हूं। फिर उसने अंधेरे में ही सौम्या के चेहरे पर चुटकी बजाई, और जल्द ही तुम्हें इस बात का पूरा यकीन हो जाएगा। वीर सिंह उर्फ विराज सक्सेना ने बालों से ही पकड़कर सौम्या को बेरामी से खींचते हुए खड़ा किया। सौम्या ने गले से घुटी घुटी सी चीख निकली और अपने बालों को खींचे जाने से रोकने के लिए खड़ी होती चली गई। खड़े होते ही वो विराज ने अचानक उसके बालों को छोड़ दिया। उसकी ये हरकत सौम्या के लिए इतनी अप्रत्याशित थी कि वो संतुलन खोकर वापस फर्श पर गिर पड़ी। अभी वो संभल भी नहीं पाई थी कि वीर सिंह की लात उसकी पसलियों से टकराई। सौम्या के गले से एक जोरदार चीख निकली और वो जमीन पर तड़प कर रह गई। लेकिन वो तो उसके प्रताड़ना के दौर की केवल अभी सिर्फ शुरुआत थी। विराज पागलों की तरह जमीन पर पड़ी सौम्या पर ताबड़तोड़ लाते बरसाता रहा और सौम्या के गले से चीखें निकलती रही। सौम्या चीखती रही और वो साइकोपैथ किलर उसे मारता रहा। कुछ ही मिनट तक चले टॉर्चर के भयानक दौर के बाद सौम्या की हालत अधमरी सी हो गई थी। उसे अपनी पसलियों में भीषण दर्द हो रहा था। उसके चेहरे सहित पूरे शरीर पर जगह जगह चोटें लगी थी जिनसे खून बह रहा था। उसकी सांसें भी उखड़ी उखड़ी चल रही थी।
उसके सिर पर खड़ा वो दरिंदा फिर जैसे सांस लेने के लिए रुका। वो फर्श पर पड़ी सौम्या के बगल में ही बैठ गया और उसने सौम्या के चेहरे को हाथ से पकड़कर अपनी ओर किया। सौम्या के लिए आंखें खुली रखना भी अब मुश्किल हो रहा था। उसने अधमंदी आंखों से पीरसिंह की ओर देखा, जो उसे किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। जानती हो मैं ये सब क्यों कर रहा हूं सौम्या, वो बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अपनी बहन से कितना प्यार करती हो, उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें उसके पास से भेजने की तैयारी कर रहा हूं। उस हाल में भी सौम्या मन ही मन बुरी तरह दहल उठी। तो क्या इस दरिंदे ने लीना को? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम, सौम्या बड़ी मुश्किल से बोल पाई, तुम झूठ बोल रहे हो। इजनेट सो, उसने अजीब सा चेहरा बनाया, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? ठीक है, मत करो, लेकिन अभी थोड़ी देर में जब तुम मरकर जहन्नुम के दरवाजे पर दस्तक दोगी, और वो दरवाजा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी प्यारी छोटी बहन तुम्हारी अपनी लीना खोलेगी, तब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन आ जाएगा ना। सौम्या की आंखों में दुनिया जहान की नफरत सिमट आई। तुम बचोगे नहीं, वो बड़ी मुश्किल से बोल पाई। ओह, ऐसा है क्या? गेस व्हाट, मैं ही बचूंगा सौम्या। मेरे रास्ते में जो जो लोग आए हैं ना, उनमें से कोई नहीं बचेगा, जैसे तुम, तुम्हारी वाहन। मैंने, लीना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सही सवाल, वो इतनी जोर से चीखा कि उसी समय बाहर हो रही जोरदार बारिश के साथ बादल गरजने की जोरदार आवाज में भी उसकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी। अब जाकर तुमने सही सवाल पूछा है सौम्या, अगर तुम नहीं पूछती तो ये अफसोस रहता कि तुम्हें बिना ये जाने ही इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। कि तुम्हारी गलती क्या थी, तुम्हारी उस बहन की क्या गलती थी? वो उन बॉक्सेस के पास पहुंचा जिनमें लाशें रखी जाती थी और वहां कुछ करने लगा, लेकिन फर्श पर पड़ी सौम्या देख नहीं पा रही थी कि वो कर क्या रहा था। उसे देखने के लिए सौम्या को सिर उठाना पड़ता, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि शरीर के किसी भी हिस्से को वो एक इंच भी हिलाना उस वक्त उसके लिए बेहद मुश्किल था। सौम्या को ऊपर बक्स खींचे जाने की आवाज आई और अगले ही क्षण जो हुआ उसने सौम्या के गले से एक बार फिर थर्रा देने वाली चीख निकली। एक लाश सौम्या के ऊपर आकर गिरी। दहशत से सौम्या की आंखें फैल गई। वो पता नहीं किसकी लाश थी, लेकिन काफी पुरानी होने के कारण लाश सड़ना अब शुरू हो चुका था। काफी पुरानी लाश होने के कारण सड़ना शुरू हो गई थी। उसका पेट सौम्या के चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर था। सौम्या को जोरों से मितली आने लगी। उसने पूरी ताकत लगाकर लाश को अपने ऊपर से धकेल दिया, लेकिन सौम्या अभी सांस भी नहीं ले पाई थी कि उस पर दूसरी लाश आकर गिरी, जो पिछली वाली से भी बुरी हालत में थी। बिल्कुल सड़ी गली लाश थी वो। सौम्या का दिमाग घूमने लगा। फिर एक और लाश आकर गिरी। वो उस पर लाशें फेंक रहा था। विराज की राक्षसी हंसी कमरे में गूंज उठी। देखो देखो सौम्या देखो, बाहर बारिश हो रही है और यहां अंदर तुम पर लाशों की बारिश हो रही है। लाशों की बारिश, साइको, ये साइको किलर ही था जो एक के बाद एक सबको मार रहा था। आखिर ये साइको किलर क्यों सबको मार रहा था, और इस साइको किलर की मौत की दहशत से क्या सौम्या बच पाएगी? सौम्या की बहन लीना बच पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर कौन था ये साइको किलर जिसने लाशों की अंबार लगा दी थी? और अब इस नॉवेल के फिनाले एपिसोड में आप लोग सुनेंगे इस कथानक का अंतिम चैप्टर इसके अगले एपिसोड में। आदरणीय श्रोता, तो ये थी हमारी आज की नॉवेल सीरीज की 12वीं एपिसोड स्टोरी विद अरुण पर अभी आप लोग सुन रहे थे। सस्पेंस, थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री नॉवेल सीरीज हत्या क्यू, इसी सीरीज की ये 12वीं एपिसोड थी।
आपको बता दूं इससे आगे की कथानक इसके 13वें एपिसोड में आप लोग सुनिएगा, जो होगा इस उपन्यास के कथानक का लास्ट चैप्टर, इसका अंतिम एपिसोड, जिसमें आप लोग जान पाएंगे कि आखिर कौन है ये साइको किलर जो एक के बाद एक लाशों का अंबार लगा रहा है। क्या है इस साइको किलर की इनसाइड स्टोरी और इसके प्रकोप से आखिर किस तरह से लीना और उसकी बहन बचती है, जानने के लिए जरूर सुनिएगा इस मर्डर मिस्ट्री नॉवेल का आखिरी एपिसोड, इसका 13वां एपिसोड। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स, चलते चलते आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इस शुक्रवार शाम 4 बजे से स्टोरी विथ अरुण की विशेष पेशकश होली स्पेशल लाइव स्ट्रीमिंग में आप सभी जरूर आइएगा। मैं अपने तमाम श्रोता, सब्सक्राइबर्स, दर्शक और व्यूवर्स को हार्टली इनवाइट करता हूं कि इस शुक्रवार को यानी कि परसों शाम 4 बजे मेरे इसी चैनल पर होली विशेष लाइव प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें आप सभी को आना होगा। इस बार मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी को दूंगा, जिस पर आप लोग सीधे कॉल कर सकते हैं और लाइव हमसे बातें भी होगी, ढेर सारी होली से रिलेटिव गीत, गजल, कविताएं, कुछ क्विज कॉन्टेस्ट और हंसी मजाक के साथ ढेर सारा एंटरटेनमेंट। तो आप सभी जरूर आइएगा होली विशेष लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम में इस शुक्रवार शाम 4 बजे स्टोरी विथ अरुण मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर। आशा करूंगा आप सभी जरूर आइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये एपिसोड अब यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर से मिलूंगा हत्या क्यू इस नॉवेल सीरीज के 13वें एपिसोड में इस कथानक के आखिरी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। आज के एपिसोड से दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाजत। नमस्कार।